विश्व रिकॉर्डधारी शेफ लता टंडन ने महिला और समाज के लिए निर्धारित किया अपना लक्ष्य। समूचे विश्व में गौरवशाली परंपराओं के धनी अपने भारत की संस्कृति का परिचय देकर गौरव बढ़ाना ही अब मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य। उक्त बातें कही वर्ल्ड बुक रिकॉर्डधारी शेफ लता टंडन ने। उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और ये बातें कही। भारतीय महिलाओं बेटियों के अंदर उनका आत्मविश्वास जगाकर और उनके आत्मबल को हिमालय से परिचय कराने को उनका दूसरा लक्ष्य बताया। लता ने कहा कि भारतीय व्यंजनों की व्यवस्था के पौष्टिक पक्ष को विश्व मंच पर उजागर करना उनका लक्ष्य है, साथ ही अनावश्यक रूप से होने वाले खाद्यान्नों की हानि से समाज को बचाना है। पत्रकार वार्ता में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड 2019 में अपना नाम दर्ज कराने वाली प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला लता टंडन ने 3 वर्ष की कर्म यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गुजरे वर्षों में उनकी आंखों में चैन की नींद कभी नहीं रही। आइए आपको सुनाते हैं लता टंडन ने क्या साझा किया है। महानगर से कम है, अगर मैं आपको बोलती हूँ कल हम चलते हैं रीवा शहर भ्रमण करते हैं और यहाँ के कचरा गाड़ियों को अगर आप निरीक्षण करेंगे, कचरा गाड़ियों का आप इतना खाना पाएंगे कि रीवा की आधी से ज्यादा जनसंख्या को 3 टाइम खाना आप खिला सकते हैं एक बार में। मतलब मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप लोग अवेयर हैं, आप लोग जानते हैं, आप शहर में हैं, कभी आप अगर ट्रैशेस को देखेंगे या डस्टबिन्स को देखेंगे ना, यू विल गेट दैट। अन्न का अपमान, निरादर या कुछ भी बोल सकते हैं इसको। और कई लोग तो ये सोचिए, मैं आपको एक और नॉलेज वाली बात शेयर करना चाहूंगी। आपने पैकेट्स में एक्सपायरी डेट्स देखी हैं, बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट्स देखी हैं आपने? एक्सपायरी डेट्स के बाद भी वो खाना खाया जा सकता है, वो पॉइजनस नहीं होता। वो क्योंकि हमारी कंपनियों को सर्कुलेशन चाहिए है, वो एक्सपायरी डेट्स डालते हैं उसमें। जबकि उसके बाद भी अब अगर कैश्यूज में, काजू और बादाम में एक्सपायरी डेट डालोगे, कैसे समझ में आएगा? तब काजू खराब होते हैं, कौन से बादाम खराब होते हैं, कौन सा तेल खराब होता है, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। बादाम नहीं खराब होता है? नहीं खराब होगा भैया, कैसे ड्राई फ्रूट खराब होगा? फंगस लग सकता है अगर आपने उसको खुले एनवायरमेंट में, बारिश में या ऐसी जगहों पर रख दिया, चूहों ने कुतर दिया वाली बात। और तेल आपको जो बादाम मिलता है वो तेल निकला हुआ आता है, पहली बात तो। हाँ, लेकिन अभी हमारे जो जितना कमर्शियल हम लोग हो चुके हैं ना सर जी, आवश्यकता तो नहीं थी ऐसी कुछ, उद्देश्य ये है कि गिनीज हुआ। गिनीज के बाद मैंने लगभग रीवा छोड़ ही दिया, क्योंकि इंदौर शिफ्ट हो गई बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, मोर एक्सपोजर फॉर रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग, काम के लिए एंड ऑल। बट अपनी मिट्टी से तो जुड़ी हुई हूँ हर हिसाब से, क्योंकि कभी भी कोई भी अचीवमेंट होता है तो नाम तो रीवा का ही है, है ना? पहले रीवा की बेटी, विंध की बेटी, अब ऐसा हो गया है कि अब देश की बेटी हो गई हूँ, ऐसा वाला हिसाब किताब है। बस ये पत्रकार वार्ता का ये था कि कई दिनों से इंट्रैक्शन नहीं हुआ था आप लोगों से, क्या डेवलपमेंट हुआ गिनीज के बाद, क्या किया, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी कि एक्चुअली क्या चल रहा है लाइफ में। तो बस ये था कि इंदौर जाने के बाद एक्सपोजर्स अच्छे मिले हैं, खाने को लेके, लोगों को लेके इंदौर ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, बहुत अच्छे से। और अभी लेटेस्ट इंटरनेशनल टेडेक्स, अगर आप मतलब टेडेक्स इज़ अ इंटरनेशनल स्पीकर लेवल, जिसमें इनवाइट किया गया था एज अ स्पीकर मुझे, और उसमें भी गिनीज की जर्नी को लेके उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन के लिए बोला, अचीवमेंट्स के लिए बोला, जहाँ बहुत ही बड़े सम्माननीय स्पीकर्स आए हुए थे और उनके बीच मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। और बहुत जल्द टेडेक्स के मंच पे भी वो इंटरनेशनली यूट्यूब पे आ जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था रीवा के लिए, ये था कि डिस्कशन हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, ये सब यही था। एक्चुअली आई एम इन टू सोशल सर्विस ऑल्सो, मैंने 2 मुहिम स्टार्ट की हैं। पहली मुहिम मेरी ये है कि anyone can cook, #anyonecancook के अंतर्गत मैं लोगों को ये जागरूकता फैला रही हूँ कि चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी वर्ग हो, हर किसी को बेसिक कुकिंग आनी चाहिए। जैसे कि स्विमिंग एक ऐसी प्रतिभा होती है जो आपकी जान बचाने के काम आती है। कई देशों में स्विमिंग को कंपल्शन करके रखा हुआ है, अगर आपको पता होगा तो। तो कुकिंग को मैं इस तरह से करना प्रमोट करना चाहती हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा या बच्ची जब घर से निकलता है, अपने घर को छोड़ के निकलता है, तो जिस भी देश या जिस भी प्रदेश में कहीं पर भी वो पढ़ाई कर रहा होता है,
उसको घर के बाहर का खाना खाना पड़ता है, होटलों का खाना पड़ता है, रेस्टोरेंट्स का खाना पड़ता है, और कई वजह से ये बच्चे बीमार भी पड़ते हैं, क्योंकि कितना साफ़ सफाई होती है ये कोई नहीं जानता। हम कहाँ का खाना खा रहे हैं, बच्चे सस्ता ढूंढते हैं, और सस्ते के चक्कर में कई बार फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं बच्चे, और कई बार अपनी इतनी बीमारियों के चलते या इस तरह के स्ट्रगल के चलते वो घर वापस आ जाते हैं अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ के। तो मैं इन बच्चों के लिए या इन लोगों के लिए इवन, मतलब मैं आपको फोर्सफुली बताऊंगी कि जैसे पहले ये होता था ना कि घर में हम लड़कियों को बोलते थे भाई खाना खाना या खाना बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी आगे की ज़िंदगी इस पर बहुत डिपेंड करती है, उसी तरह से लड़कों के लिए भी अब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो #anyonecancook के ज़रिए ये एक मैसेज मैं YouTube और इंदौर में भी कई सेमिनार्स कर रही हूँ जिसमें ये आ रहा है कि anyone can cook, मतलब everyone should cook फॉर themselves। कम से कम 20 से 30 ऐसी डिशेज जो आपको सर्वाइव करने के काम आएंगी वो सीखना अनिवार्य है। ये मैं ऐसा प्रमोट कर रही हूँ अपने इस मुहिम के ज़रिए। जी बहुत से अवेयर ग्रुप्स हैं, मैं रीवा का इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ हूँ नहीं, यहाँ की अवेयरनेस का नहीं पता कि यहाँ ग्रुप्स है कि नहीं है सर्वाइविंग। वहाँ सोल स्पेस करके या वेस्ट फूड करके या कई तरीके के हमारे ऐसे ग्रुप्स हैं। मेरे मालवा ग्रुप है जो हम लोग थार के ज़रिए जहाँ जहाँ अवेयरनेस भी कर सकते हैं, उस ग्रुप में भी मैंने ये डाल के रखा कि हम जहाँ जहाँ जाएँ अवेयरनेस को लेके जाएँ, फूड शुड नॉट बी वेस्टेज। आपको पता है कई लोगों ने इंदौर में पूरे जीवन पर्यंत की प्रतिज्ञा ली हुई है कि वो प्लास्टिक को छुएंगे नहीं। जनक पाल्टा मैम है, अगर आप लोग उनके बारे में जानते हो, अगर आप उनको बुके दोगे तो वो छुएंगे नहीं क्योंकि वो प्लास्टिक में रैप्ड होता है, वो बॉटल पानी नहीं पिएंगे क्योंकि वो प्लास्टिक की बॉटल होती है। ये मुहिम हमने शुरू कर दी है, वी हैव टू अवॉइड। मटके का पानी जहर होता है, क्यों नहीं पियोगे भाई? मटके का पानी स्टील के ग्लास में क्यों नहीं पियोगे? क्यों प्लास्टिक की बॉटलें ही आपको चाहिए होती? क्योंकि इससे प्लास्टिक एमिशन होते हैं, कितना वेस्टेज होता है। इंदौर में हर तरीके के टिश्यूज बंद कर दिए गए हैं, रिसाइकल्ड बॉक्सेस आ गए हैं, प्लास्टिक बॉक्सेस को बैन कर दिया गया है। तो ये सारी मुहिम जो है ये एक शहर की नहीं है, ये हर किसी को देखना होगा। और आपको बताऊं, ये शुरुआत आपके घर से होगी। आज आप जब अपने घर जाओगे ना, आप अपनी वाइफ से पूछिएगा कि जो फूड बिन है, सूखा और गीले कचड़े वाला जो डब्बा है, एक बार गीले कचड़े को 24 घंटे बाद देखिएगा ज़रूर कि उस डब्बे में गीला कचरा कितना आया, एक बार देखिएगा ज़रूर, किलोज़ में होगा वो, किलोज़ में। तो कहीं ना कहीं एक बात बताइए, वो फूड वेस्ट हो रहा है। हम लोग ये तक कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तरबूज है या खरबूजा है, उसकी छिलके की भी डिशेस बना के हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि छिलका भी बिन तक नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ें टॉक्सिक हैं वो हटा दी जाए, लेकिन जो टॉक्सिक नहीं है, जो खाने लायक है, फ्रॉम भाई नींबू का छिलका, उसको सुखा के हम लोग डिटर्जेंट्स बना रहे हैं, नारियल का छिलका, उसको सुखा के हम लोग पाउडर बना रहे हैं जिससे बर्तन धोए जाएँ ताकि आपको डिटर्जेंट्स, जो केमिकल डिटर्जेंट्स हैं, वो यूज़ ना करने पड़े। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ से शुरू हो चुकी हैं और हम लोग इसमें हैं, वी आर इनटू इट ऑनली। बगे यहीं की हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं जो है अपने YouTube के ज़रिए प्रमोट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, चाहे वो बघेली व्यंजन हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का पूरा ओवरऑल ट्राइबल व्यंजन हो, ये कहीं ना कहीं खोता चला जा रहा है। किसको, कितने लोगों को हमारी बघेली व्यंजनों के बारे में पता है? बहुत ही कम, बहुत ही कम। जी 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 बिल्कुल, ये तो मेरा कर्तव्य है सर, ये तो कर्तव्य है मेरा, ये तो करना ही है। सिर्फ बघेली नहीं, मध्य प्रदेश ट्राइब्स की जितनी भी किजींस जो अब बाकी नहीं है, कई सारी ऐसी सब्जियां जिनमें इतने गुण होते हैं कि कैंसर तक को क्योर किया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं गायब होती चली जा रही हैं, क्योंकि हम कहाँ हो गए हैं, हम अब सुविधाओं में फंस चुके हैं। क्विक ईटिंग होती है, फास्ट फूड हो गया है, पैक्ड फूड हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य को हमारे बहुत नुकसान कर रहा है। तो शेफ़ के ज़रिए, शेफ़ के नाते, हम लोग बिजनेसमैन नहीं हैं, मैं आपको बताऊं, शेफ़ का धर्म बिज़नेस करना नहीं होता, फ़ायदा कमाना नहीं होता। शेफ़ का धर्म पहले ही है कि वो अपने कस्टमर्स को क्या खिला रहा है, उनकी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। तो ये पहला उद्देश्य लेके मैं चल रही हूँ अपने साथ। दूसरा मुहिम जो मैंने अभी शुरू किया है इंदौर में, वो किया है अवॉइड वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ फूड को अवॉइड करने के लिए काम करना शुरू किया, जिसमें हमने एक कम्युनिटी फॉर्म की है। और उस कम्युनिटी के अंतर्गत, जैसे अभी शादियों का सीज़न आ रहा है, शादियों के सीज़न में जितना खाना प्लेटों में नहीं फिकता, उससे कहीं ज़्यादा खाना
जो हमारी डिशेज होती हैं, जो हमारे खाने पकते हैं, भाई 10,000 की जनसंख्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारी आज पार्टी में 5,000 लोग खाना खाने वाले हैं, लेकिन खाना 7,000 से 8,000 लोगों का बनता है, 2,000 से 2,500 लोगों का खाना डिशेज में ही फिकता है, वेस्ट हो रहा है। ये नहीं बोल रही हूँ कि वो नालियों में जा रहा है तो कीटाणु नहीं खा रहे हैं या कुत्ते और गाय नहीं खा रहे हैं, लेकिन बात समझने वाली ये है कि इस खाने को बनाने के पीछे हमने खरीदी की, हमने अपना पैसा वेस्ट किया, हमने उस एनर्जी को वेस्ट किया जिसको उसमें पकाया गया, उसके बाद उसको वेस्ट किया और किसी ने भी उसको खाया, और खाना सड़ने के बाद अगर उसको किसी कुत्ते या गाय ने खाया, अगर वो मर गया, तो किसकी जिम्मेदारी? और जैसे हम लोग रिसाइकलिंग की बात करते हैं, आप लोगों को पता है रिसाइकिल, अगर आज हम रिसाइकिल करते हैं खाने को, तो उस रिसाइकिल में से कितनी एनर्जी निकलती है फूड की? 1%। जहां हम खाने से लोगों का पेट भर सकते हैं, जहां खाना नहीं है वहां हम रिसाइकिल करके या डिकम्पोज करके उससे जो एनर्जी निकाल रहे हैं वो सिर्फ 1% होती है, ना के बराबर। हम खुश हैं कि हम भाई पिट्स बना रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, उसको कंपोस्ट बना रहे हैं, उसको गार्बेज में न डाल के उससे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, बट उस जो खाने को हमने डिकम्पोज करके एनर्जी जनरेट की वो सिर्फ 1% यूज हुआ उसका, सिर्फ 1%। आप इंदौर जैसी सिटी में आइए जहाँ जीरो वेस्टेज है, एक भी खाना कहीं नहीं फिकता, बड़े बड़े प्लांट्स लग गए हैं वहाँ पे, ग्रीन प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन उससे जो एनर्जी निकलती है उससे हमारे शहर की बसें दौड़ती हैं। इंदौर शहर की बसें ई बसेस हैं, अगर आपको ये जानकारी हो तो, उसी खाने के डिकम्पोज या उसी बिन में जितना कचरा जाता है उस वजह से वहाँ की बसें दौड़ती हैं। लेकिन सोचिए इतना खाना फिकता है और लगभग 90 मिलियन जनसंख्या भूखी सो रही है रोज। पिछले साल के आंकड़ों में 137 मिलियन लोगों की डेथ हुई है भूख की वजह से। और आपको पता है भूख से मरना क्या होता है? आपने जला दिया, फांसी दे दी, जहर दे दिया, कुछ बात नहीं, खून कर दिया, गोली लगा दी, चाकू मार दिया, लेकिन आप सोच पा रहे हैं भूख से मरना क्या होता है? और यही हम वेस्ट कर रहे हैं। कितना खाना हमारी थालियों में फिकता है, हमारे घरों में फिकता है। हमारी लेडीज आज 4 लोगों के खाने की जगह 5 लोगों का, 6 लोगों का खाना बनाती है, 2 लोगों का खाना वेस्ट हो रहा होता है। हर घर में वो खाना बिन में जा रहा होता है, और वो बिन से थ्रैशेज में जा रहा होता है, थ्रैशेज से डिकम्पोज होने जा रहा होता है, वो भी इंदौर जैसी सिटी की बात कर रही हूँ। छोटे शहरों में जहाँ इसका रिसाइकलिंग है ही नहीं, सड़ रहा है। और आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ये सड़ने से जो गैस एमिट आउट होती है, ये सड़न से जो खुशबू बदबू जो आप लोगों को दिखाई समझ में आती है, वो गैसेस जो एमिट आउट होते हैं वो भी आपके ओजोन लेयर को बर्बाद कर रही है। जितना आपकी गाड़ियों के धुएं बर्बाद कर रहे हैं, फैक्ट्रियों के धुएं बर्बाद कर रहे हैं, जो खाने के सड़ने का स्मेल जो आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो धुएं के फॉर्म में नहीं होता, वो कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को बर्बाद कर रहा है। तो ये मुहिम लेके मैं इंदौर में अभी चली हूँ, आई एम फॉर्मिंग अ कम्युनिटी, और गवर्नमेंट से भी बहुत हेल्प है क्योंकि वहाँ जी सर जो क्रिएट कर रहा है जी बिल्कुल, आप इसको निकालिए, इसके डेटाज आपको मिलेंगे भैया। जो इंदौर काम कर रहा है, अगर मैं आपको बताऊं तो यही वेस्टेज के ऊपर काम कर रहा है कि जो एमिटिंग ऑफ गैशियस है ना, ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है आपके लिए। देखिए बहुत सारे फ्रॉम वेस्टेज टू कहीं ना कहीं भुखमरी टू कहीं ना कहीं डिकम्पोज होना, उसका गैशियस फॉर्म होना।